नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि व तुला लग्न के व्यक्तियों के बारे में। कैसी होती है इनकी पर्सनालिटी, कैसा होता है इनका स्वभाव, कौन से वर्ष में होता है इनका विवाह, किस फील्ड में मिलती है इन्हें सफलता व कौन से वर्ष देते हैं इन्हें भाग्य उन्नति की सौगात। विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक रोज ऐसी ही रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। तुला राशि व तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। इस लग्न में उत्पन्न जातक श्वेत और सुंदर वर्ण, मध्यम एवं लंबा कद, सौम्य एवं हसमुख स्वभाव के होते हैं। यह लोग न्यायप्रिय, हसमुख, व्यवहारशील एवं नीति के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। ईमानदार, मिलन अनुसार नए नए मित्र बनाने में भी ये लोग कुशल पाए जाते हैं। इन लोगों से प्राय कोई भी व्यक्ति बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है। इन लोगों का संगीत, कला, नाट्य इत्यादि की ओर विशेष झुकाव देखा जा सकता है। गाने गुनगुनाना, म्यूजिक सुनना, हंसी मजाक करना इन्हें पसंद होता है। इन लोगों का रहन सहन का ढंग, बात करने का तरीका बिल्कुल रईसों वाला होता है। तुला राशि व तुला लग्न के लोगों की परख पारदर्शिता से परिपूर्ण होती है। किसी भी परिस्थिति को बहुत जल्द परख लेते हैं, ना ही इन्हें एकाएक कोई वस्तु बहुत जल्द पसंद आती है। तुला राशि व तुला लग्न के जातकों की कुंडली में अगर चंद्र व शुक्र शुभ स्थिति में हो तो मानसिक व कल्पना शक्ति प्रबल देखने को मिलती है, किंतु मन की शक्ति को बहुत अधिक समय तक केंद्रित नहीं रख पाते। किसी कार्य को करना प्रारंभ किया तो उसमें जी जान लगा देंगे, कुछ ही समय में मन चेंज हुआ तो उसी कार्य को एकदम से ऐसे बंद करेंगे जैसे चाय में से मक्खी निकालकर फेंकी हो। यह लोग अपने स्वयं के विचारों व योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इन लोगों को अपने संपूर्ण जीवन में यात्राओं के अवसर भी समय समय पर मिलते रहते हैं। तुला राशि व तुला लग्न के जातक बुद्धिमान, तर्कशील, सावधान एवं सतर्क रहने वाले होते हैं। मध्यस्थता व न्यायप्रियता प्राय इन लोगों को बहुत पसंद होती है। विपरीत लिंग के प्रति प्राय इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। प्रेम संबंधों में भी इन्हें बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। बात करें अगर करियर की तो इनकी भाग्य उन्नति प्राय जलीय क्षेत्रों में बहुत जल्द हो जाती है। शुक्र से संबंधित कार्य जैसे कपड़ा, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, हस्तकला से संबंधित कार्य करने पर इन्हें बहुत जल्द मिल जाती है सफलता। 25 से 28 वर्ष के मध्य का समय तुला राशि व तुला लग्न के जातकों का विवाह योग का समय बताया गया है। बात करें अगर भाग्य उन्नति कारक वर्षों की तो मित्रों 25, 27, 32, 35 व 47वां वर्ष देता है तुला राशि व तुला लग्न के जातकों को भाग्य उन्नति की सौगात। मित्रों, यहां मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह प्रेडिक्शन प्राय एक राशि व एक लग्न के अनुसार किया जा रहा है। जहां आपकी कुंडली के कारक ग्रहों की दशा आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करती है, वहीं मारक ग्रहों की दशा में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु बताए गए वर्षों का सदुपयोग कर आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।